أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Good morning and how are you all? I hope you all are fine. My name is Mozma and today I am here to teach you Urdu. First of all, you have already done Adi Ashkal. आप सब ने Adi Ashkal कर ली. Adi Ashkal को अलिफ के साथ, वाव के साथ, छोटी ये बड़ी ये के साथ इकट्ठा बनाना भी सीख लिया. आपने उनको इकट्ठा जोड़ना सीख लिया. लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, इसको हमने रिवाइज ऑलरेडी किया हुआ है, आपने टेस्ट भी दिया हुआ है, लेकिन अगेन आपको ये सिखाएंगे ताकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप ये इजी अटेम्प्ट कर सको. ठीक है. भारी आवाज़ें, भारी आवाज़ें को आपको पता है ना, ये भी हमारी आदि अश्काल से ही बनती हैं, ब से बनती है, प से बनती है. लेकिन हमने सारी आदि अश्काल के साथ ये इसके साथ भारी आवाज़ें नहीं बनानी होती, लेकिन हमने सिर्फ 10 के साथ, 10 जो है सिर्फ 10 भारी आवाज़ें हैं. तो अब आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी भारी आवाज़ें हैं और हमने उनको कैसे अलिफ वाव छोटी है बड़ी है के साथ जो मिलाना है. ठीक है. अब भारी आवाज़ें कौन सी हैं? भ, फ, थ, ठ. ठीक है, ये चार. भ, फ, थ, ठ, छ, छ, ध, ध, ख, घ. अब आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी. चल जाएगा. इसमें आपको बताया हुआ था कि जो सिंपल हरूफे तहजी थी, ब था, प था, त, ट, इससे हम इसके साथ जब दो चश्मे हे मिला है, जब हे मिला है, तो ये क्या बन रही है? भारी आवाज़ें. ठीक है. नाउ हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कैसे हमने इनको मिलाना है. ठीक है. ये हमने पहले इन भारी आवाज़ों को ब, भ, फ, थ, ठ, ज, छ, ध, ढ, ख, घ, इनको पहले हमने अलिफ के साथ मिलाया. जहाँ पे प्लस अलिफ होगा उसका मतलब होगा कि हमने इसको अलिफ के साथ मिलाना है. जहाँ पे हमारे पास वाव होगा, प्लस वाव, वही भारी आवाज़ें हैं. लेकिन उनके साथ किसकी फ्रेंडशिप हुई है, किसकी दोस्ती
जैसे है ध, दार और ह, अब ये अलग अलग है ना, लेकिन जब ये हम इसको अलिफ के साथ मिलाएंगे तो कैसे हो जाएगा, दाल अलग का अलग ही रह जाएगा और आपने इसके ऊपर जैसे इसकी एक छोटी सी पोली बनाई थी ना हमने बाय की तरह, वो इसकी नहीं बनाएंगे ठीक है हम। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो और शक्ल उसकी बना के टू आईज बना के और इसके साथ अलिफ मिला देंगे, तो द ध अ ध ध अ ध। अब हमने क्या करना है कि हमने फ के साथ फ फ के साथ हमने मिलाना है व। अभी जो फ होगा ना, ये लाइन भी ऊपर है लेकिन जब हम जोड़ेंगे इसको तो ये लाइन के मिड में आ जाएगा। कैसे आएगा देखें, ऐसे लाइन के ऊपर ही आपने इसके यहाँ पे तीन डॉट्स लगा देने, ये तीन नुक्ते लगा देने और जो ये मिड वाली लाइन है, इस मिड वाली लाइन को थोड़ा बाहर ला के और इसके यहाँ पे वाव बना देना है। ह ओ थो, ह ओ थो। अब इसके बाद है ठ, अब इसके बाद है ठ, ठ को भी इसी तरह लाइन के ऊपर लिखना है, इसके ऊपर टोपी बनानी है प्लस वाव वाव ठीक है। ठ लाइन्स के बेड में और ये टोपी थोड़ी सी ऊपर होगी इसकी और इसी को इसी अंदर वाली लाइन में थोड़ा बाय ला के और इसके ऊपर वाव बना देना है। ठ ओ ठो, ठ ओ ठो। अब इसके बाद हम लोग करते हैं झ, झ। अब देखिए जीम, आधा जीम बनाया है ठीक है प्लस वाव और उसके साथ ये टू आईज भी इसकी बनाई है। अब इसी तरह लाइन के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आधा जीम, इसके साथ इसकी टू आईज, इसका नुक्ता और इसको थोड़ा आगे ला के वाव ठीक है। अब छोटी के साथ मैं ला के बताती हूँ छ को, इसी तरह आधा छ, इसके साथ टू आईज मिल जाएगी, ये क्या बन जाएगा छ, तीन नुक्ते प्लस छोटी ये। आपने इसी तरह देखा है छ को आपने लाइन से गेट में बना के इसकी टू आईज, तीन नुक्ते और इसकी जो मिड वाली लाइन है इसको थोड़ा बाहर ला के, बाहर ला के इसके साथ छोटी ये। और आखिरी एक बता देती हूँ घ, टू आईज, टू इसकी दो गज और बड़ी ये। अब आपने क्या करना है, इसी तरह घ बना के, घ बनाएंगे इसके साथ इसकी टू लाइंस दो और इसको आगे ला के बड़ी ये। चलिए ये था आज का हमारा टॉपिक। अब किसके बारे में था, भारी आवाजों के बारे में, ये सारी क्या थी भारी आवाजें, ये मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि आपको पता हो कि आपने कैसे और कैसे इनको लिखना है जोड़ में ठीक है। ओके थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।